हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आज सीन है परशुराम लक्ष्मण संवाद का। परशुराम जी जब जनक जी की सभा में पहुंचे तो शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने जनक जी से कहा, हे मूर्ख जनक, अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज्य तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। देखिए, परशुराम जी को क्रोध जनक जी पर ही आना चाहिए था, श्री राम और लक्ष्मण पर नहीं, क्योंकि परशुराम जी ने ही जनक जी को धनुष दिया था, शिव धनुष दिया था, और कहा था कि इसको संभाल के रखना, ये धरोहर के रूप में मैं तुम्हें देता हूं। और आज जनक जी ने जब उस पर शर्त लगा दी, उस पर स्वयंवर रख दिया और शिव धनुष को तुड़वा दिया, तो जिम्मेदार उन्हें ही ठहराना चाहिए था, श्री राम और लक्ष्मण को नहीं। अभी मान लीजिए आप कोई चीज अपने किसी क्लोज फ्रेंड को देते हैं और कहते हैं कि इसको संभाल के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धरोहर के रूप में मैं तुझे देता हूं, और वो आपका फ्रेंड किसी दूसरे को वो चीज बेच देता है, तो आप क्या करोगे? उस दूसरे व्यक्ति को थोड़ी ना पकड़ोगे, आप तो अपने क्लोज फ्रेंड को ही पकड़ोगे कि साले तुझे कोई चीज रखने को दिया था, बोला था कि इम्पोर्टेंट चीज है, धरोहर के रूप में दे रहा हूं, फिर भी तूने बेच दिया। अभी तू ला के दे मेरे को, जहन्नुम से ला के दे, मैं कुछ नहीं जानता। तो जबकि परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया, परशुराम जी को भी यही कहना था कि तुम्हें धरोहर के रूप में मैंने कोई चीज दी थी तो तुमने तुड़वा दिया उसको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर स्वयंवर रखने की? लेकिन उन्होंने ऐसा ना कह के उन्होंने ये कहा कि हे मूर्ख जनक, अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका अहंकार आड़े आ रहा था। उन्हें लगा कि इतना बलशाली कौन हो गया जो शिव धनुष को तोड़ गया, जरा देखो तो सही कि मुझसे भी अधिक बलशाली कौन हो गया। क्षत्रियों का समूल विनाश 21 बार मैंने इस पृथ्वी से कर दिया, अभी इतना बलशाली कौन हो गया कि जो एक पल में ही शिव धनुष तोड़ गया, जरा देखूं तो सही। तो आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो श्री राम ने परशुराम जी को कहा और उनकी अकल ठिकाने आ गई। तो इन सब के बीच में परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा था। श्री राम जी बीच में बार बार आकर के उनको समझा रहे थे, अपनी कई कई बातें कह रहे थे। वो पूरा संवाद मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि उन्होंने अंत में क्या कहा, श्री राम जी ने अंत में क्या कहा जिससे परशुराम जी की अकल ठिकाने आ गई। श्री राम ने कहा, उन्होंने कहा, मुनिवर, जिस प्रकार वाटिका के एक विषैले पौधे को नष्ट करने के लिए समस्त वाटिका को उजाड़ देना अनुचित है, उसी प्रकार एक अपराधी को दंडित करने के लिए उसकी समस्त पीढ़ियों को दंडित करना अनुचित है। आपने एक क्षत्रिय के दोष पर उसके समस्त पीढ़ियों का वध कर दिया। आप तो क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे मुनिवर, और स्वयं अपने ही अहंकार के बंदी हो गए। कोई अपने अतीत के अहंकार के बोझ को लेकर आजीवन जी नहीं सकता मुनिवर। आप अपने अतीत के अहंकार को वर्तमान में ले आएंगे, वर्तमान से भविष्य में ले जाएंगे तो थक जाएंगे। तनिक सोचिए, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तब मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है और ना ही हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु से पृथक नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए, बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दुजवर निहारिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है।
यदि इसका करें प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। मुनियों के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे ठौर प्रभु, उसकी भी छाप वहीं पर है जिस जगह चिन्ह हो और प्रभु। इतना सुनते ही परशुराम जी की अकल ठिकाने आ गई। उनको लगा कि मैं नाहक ही क्रोध कर रहा हूं, नाहक ही अहंकार कर रहा हूं। उनको संदेह हो गया कि ये तो प्रभु नारायण ही हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप इस धनुष पर चाप चढ़ाइए जिससे मेरी आशंका दूर हो जाए। तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर चाप चढ़ाकर उनकी आशंका दूर की, सिद्ध कर दिया कि वही प्रभु नारायण हैं, और परशुराम जी की आंखें खुल गई। तो थैंक यू वेरी मच मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा सपोर्ट करें, आगे की वीडियोज भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।